हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईआई। आज क्लास रही मैथ पेडागोजी यूनिट टू अवरोह पद्धति पढ़ा डिडक्टिव मेथड। यह पूर्व आम इंडक्टिव मेथड अर्थात आरोह पद्धति को कंप्लीट कर सारी वर्तमान तार आउ गोटे पार्ट देखा अवरोह पद्धति कौन जानवा। अवरोह पद्धति माने जहाँ कि आम डिडक्टिव मेथड बोली कही था। एहाको अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड मध्य कहुए आरोह पद्धतिर विपरीत प्रक्रिया। जहाँ जहाँ रूल रेगुलेशंस फॉर्मूला आपण आरोह पद्धति रे यूज करुथिले तार अपोजिट यूज करा जाए अवरोह पद्धति अर्थात डिडक्टिव मेथड रे। एहाको निगमन पद्धति मध्य कहुए एवं किछि किछि बुक रे आपणको एहा निगम निय बोली मध्य देखा जिवो। कोनोसी प्रॉब्लम नै, सेम रहिबो। एथिरे साधारण नियमरु निर्दिष्ट नियम आड़क जाइथान्ति अर्थात जनरल टू स्पेसिफिक जाइथान्ति। जनरल कौन, स्पेसिफिक कौन, आरोह पद्धति इंडक्टिव मेथड रो क्लास रे मुं आपनको भल भाव बुझेली। एठी भी निश्चित भाव आपनको कहिबी। देखंतु फॉर एग्जांपल मु सेम एग्जांपल आपण मानक पई नै जाउची। गुटे जनरल रूल अछि जे डॉग माने निजर मालिक मानंकु देखिले गेल हेबा पई लांगुड़ हलांती। ठीक अछि, एटा होची गोटे रूल माने एटा गोटे जनरल पॉइंट जनरल स्टेटमेंट दे दिया गला। रूल तो नुह, जनरल स्टेटमेंट दे दिया गला। एही जनरल स्टेटमेंट को जी मु अछि मु कहिबी हाँ मो कुकुर जी अछि मो डॉग जी मो पेट जी अछि सी मते देखिले गेल हेबा पई लांगुड़ हलाए। मोर फ्रेंड कहिबो हाँ मोर भी पेट एमती करें एवं मोर टीचर कहिबे मोर आउ को फ्रेंड कहिबे मोर को सिस्टर ब्रदर कहिबे कि यस मोर पेट डॉग मध्य सेमिति लांगुड़ा हलाए। बुझी पारले? तो एठी गोटे स्टेटमेंट आपण को दे दिया गला। एही स्टेटमेंटा ट्रू ना फॉल्स ताहा एग्जांपल्स माध्यम रे जना पड़िबो। रूल टू एग्जांपल को जते बेला आमे चली जाऊ ताहा होई जाए रूल टू एग्जांपल। मन रखंतु रूल टू एग्जांपल चली गले ताहा होई जीवो डिडक्टिव मेथड। ठीक अछि, तो एठिरे जनरल गोटे स्टेटमेंट दिया जीवो एवं विभिन्न एग्जांपल्स माध्यम रे एही स्टेटमेंट टी ट्रुथ बोली प्रूफ करा जीवो। मन रखंतु इंडक्टिव मेथड रे रूल को फॉर्मेट करा जाए मतलब तैयारी करा जाए प्रस्तुत करा जाए, किंतु अवरोह पद्धति रे गोटे रूल गोटे नियम को विभिन्न उदाहरण रे प्रयोग करा जाए एवं प्रयोग करा जाए एही जे रूल टी ताकु प्रूफ करा जाए जे ये होची गोटे वैलिड रूल। ठीक अछि, तो अवरोह पद्धति बा डिडक्टिव मेथड रे आमको जे रूल दिए जाय थाए सही रूल को सत्य बोली मानिबा को पड़ी थाए। यह रहिला नेक्स्ट देखिबा आरोह अपेक्षा अवरोह पद्धतिर व्यवहार अधिक अर्थात मोर यूजेबल देन इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड अपेक्षा डिडक्टिव मेथड को अधिक यूज करा जाए कारण इंडक्टिव मेथड रे आमर मेंटल टायर्डनेस आसी जाए। मु जहां आपन को पढ़ाई थी एग्जांपल बारंबार अधिक एग्जांपल नेला पर जे कि गोटिए रूल फॉर्मुलेशन होता है, कि जदि आम डिडक्टिव मेथड देखिबा कम समय मध्य केवल गोटिए रूल गोटे फॉर्मूला को यूज करी तार मैथ को सहजरे आम आंसर बाहर करिपरिबा। बुझिपारले? तेणु इंडक्टिव मेथड अपेक्षा डिडक्टिव मेथड को अधिक प्रिफर दिया जाए अधिक व्यवहार करा जाए। एवं जेपरी कि एठी आपण जानिछंती रूल रु एग्जांपल आड़ को जीवा। आमे एग्जांपल आगे को देखिबा, मु आपनको बुझा देबी। पूर्व प्रतिष्ठित प्रस्तुत नियम को व्यवहार करी समस्या समाधान करा जाए अर्थात जो नियमटा जो रूलटा पूर्वरु ऑलरेडी तैयारी हो सारी ताकु केवल यूज करिबा। आमे मैथमेटिक्स रे कोनोसी रूल को तैयारी करिबा नाही, नियम को प्रति माने प्रस्तुत करिबा नाही, पूर्व प्रतिष्ठित किबा पूर्व प्रस्तुत। ठीक अछि, नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन कहूछि। शिक्षार्थी माने नियम बा सूत्र को सत्य बोली ग्रहण करथांति। एक्सेप्टेंस ऑफ रूल एज ए ट्रुथ माने रूल को ट्रुथ वैलिड बोली यूज माने आमको एक्सेप्ट करिबा को पड़िबो तबे जे आमे एहाको यूज करि परिबा। फॉर एग्जांपल गोटे एठी मा आपनको पय रखि छी देखंतु दिया गला ट्राएंगल ए बी सी रो एंगल ए 45 डिग्री एंगल बी 50 डिग्री
एंगल सी केते बाहर करबा पई कुहा जाय छी। भल भाबर देखंथ एठी कोन पचार छी एंगल सी केते बाहर करबा पई दे जाय छी। एंड वी नो दैट सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180। गोटे त्रिभुजर अंतर्निहित तीनोटी कोणर परिमाणर समष्टि होउछि 180 डिग्री। ठीक अच्छे एटा आम जानी तेज आम यू यूज करदेटा हूँ पूर्वर प्रस्तुत होता गोटे रूल। यही रूलटी केमी प्रस्तुत होमें जाणिना केवल आम को टीचर यही रूल को सिखाइले एवं यही रूल को आम यूज करवा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आम जाणीदे। एंगल ए रिमाण पकईदे एंगल बी रिमाण पकईदे से दुटा को प्लस कर 180 डिग्री रू माइनस करने एंगल सी आमर आसीगला जहाँ जी आसवा कथा बुझिपारे। तो ये आपण जाणिले सरी ये आपड़ जापारे इंडक्टिव मेथड रे सीधा सड़ख रूल दे दि जाए थाए एवं से ही रूल को व्यवहार कर उत्तर आने को। वर्तमान चलतु मुँ को एही गोटे स्लाइड रे इंडक्टिव एवं डिडक्टिव रो छोटो टिके डिफरेंस देखे देबी जहाद्वारा आमर कनसेप्टा भल भाव क्लीयर हो। इंडक्टिव मेथड एवं डिडक्टिव मेथड अर्थात आरोह पद्धति एवं अवरोह पद्धति क्लीयर चलतु आरंभ करवा। फॉर एग्जांपल आपण को दिजिव इंडक्टिव मेथड रे गोटे रेक्टांगल अच्छी। एही रेक्टांगल रो माने चारि दिगरे चारिआड़ू जदि आमको वायर लगेबार अच्छे केते वायर लगे एही प्रश्न रु बा एही गोटे गणित रु एही उदाहरण रु आम जापारे से आमको कौन पचारीमा पचार पेरीमिटर पचार परिसीमा किंबा पेरीमिटर रो फॉर्मूला कौन अच्छी समस्त बाहू मानकर समष्टि गोटे लेंथ एटा आउ गोटे लेंथ गोटे ब्रेथ एटा आउ गोटे ब्रेथ दुटा ब्रेथ आसला समस्त बाहू मानकर समष्टि अर्थात लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ जो चारिटा जाक बाहू अच्छी आम प्लस करदे एमर कौन आस जा दुईटी एल आस जा मिसेले टू एल हो प्लस दुईटी ब्रेथ आस जा मिसेले टू ब्रेथ हो आम टू को कमन काढ़ी लिखिद एल प्लस बी अर्थात यहीपर मध्यम आम कौन कले गोटे रेक्टांगल रो आयत क्षेत्र रो परिसीमा रो सूत्रटा को क्रिएट कले दुई गुणन दैर्घ्य मिशाण प्रस्त टू मल्टीप्लाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक अच्छे एवं यहाँ पर एटी आमर एग्जाम्पल मध्यम जहाँ दि जाइला उदाहरण जहाँ जितक डाटा दिखाई ता मध्यम आम रूल को क्रिएट करें किंतु डिडक्टिव मेथड रे आपण को कौन कही गोटे रेक्टांगल अच्छी जार लेंथ 5 सेंटीमीटर एवं ब्रेथ 3 सेंटीमीटर यार परिसीमार सूत्र हो 2 मल्टीप्लाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक अच्छे तेबे यार पेरीमीटर केते बाहर कर परिसीमा केते बाहर कर तो 2 गुणन लेंथ जगार 5 प्लस ब्रेथ जगार 3 इज इक्वल्स टू 2 गुणन 8 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। देखंतु जेते बेले आमे इंडक्टिव मेथड रे करिले इंडक्टिव मेथड रे आमर कौन आसला आमर सूत्रटा बाहरला बुझिपारे। इंडक्टिव मेथड रे आमर सूत्र बाहर किंतु डिडक्टिव मेथड रे आमर गणितर समाधानटा बाहर सूत्र को प्रयोग करागला एवं गणितर समाधान बाहर करागला आमे गोटे पॉइंट कहीपरिया एथिरु आमे गोटे पॉइंट कहीपरिया जे इंडक्टिव मेथड रे जो सूत्र आम प्रस्तुत करथाउ इंडक्टिव मेथड रे जो रूल को आम तैयारी करथाउ सही रूल को डिडक्टिव मेथड रे आम यूज करू आंसर बाहर करने बुझिपारे। इंडक्टिव मेथड रे जो रूल को आम क्रिएट करू डिडक्टिव मेथड रे ताहाकु यूज करी आम आंसर को बाहर करू क्लीयर चलते आगे बढ़िया देखिबा आमर किछि पॉइंट्स। किपरि भाबरे जाइथाय अवरोह पद्धति अमूर्तरु मूर्त आडकु अमूर्त अर्थात आमे आब्स्ट्राक्ट टू कंक्रीट काहेकि कहगला देखंतु सीधा सळख कहगला 5 3 दुटा दैर्घ्य दिगला दैर्घ्य एवं प्रस्थ। ठीक अछि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ
टीचर कहिबे एटा होची परिसीमार सूत्र, एही सूत्र को प्रयोग करी उत्तर बाहर कर। तबे एठी जो सूत्रटा कहिले से सूत्रटा किपरि तयारी होईची, काही की परिसीमा पे आमे सेही सूत्र को व्यवहार करिबा, से विषय रे शिक्षार्थी पूर्वरु किछि मध्य जानि नाही, तेणु ताहले आब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट केतेबेले हिजिबो, जेतेबेले तार परिसीमाटा 16 सेंटीमीटर बोली आसीगला, से जानि देला सेटा, तबे कंक्रीट हेगला। तो आब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जेतेबेले आसुची से हिजिबो आमर अवरोह पद्धति बा डिडक्टिव मेथड। क्लियर बुझि परले? चलन तो नेक्स्ट देखिबा। देन आसला जेनेराल टू स्पेसीफिक। जेनेराल टू स्पेसीफिक मुझे आपन को कही सारी गोटे जेनेराल स्टेटमेंट दि जापरिक कहीपर सी कहला मोर पेट मो पेटा पेट गोटे जनरल स्टेटमेंट दिगला जे पेट डॉग मैंने निजर ओनर मान देखिले निजर मास्टर को देखिले लांगुड़ हलांती। तो यहाँ समस्त क्षेत्र में प्रूफ हो नहीं जानापी जड़े 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 या टेस्ट कले तेब ये होगला जेनेराल टू स्पेसीफिक। क्लीयर? नेक्स्ट रूल टू एग्जांपल आमे देखिले आमे किपरि भाबरे टू मल्टीप्लाय लेंथ प्लस ब्रेथ रो रूल को यूज कले एवं जो उदाहरण दि जाइला से व्यवहार करी आंसर 16 सेंटीमीटर बोली आनीदे। तो प्रथमे रूल लेखा जिवो तापर तार आंसरटा आसिबो। रूल टू एग्जांपल कही पारंती, रूल टू आंसर मध्ये कही पारंती। एटा हे जिवो आमर अवरोह पद्धति किंबा डिडक्टिव मेथड। आरोह और अवरोह परस्पर संश्लिष्ट, अर्थात दुटा जाक परस्पर को रिलेटेड। कहीं आपण को प्रीवियस स्लाइड रे कहली जे इंडक्टिव मेथड रे आमे रूल को तैयारी करू एवं से ही तैयारी करथिबा रूल को आमे डिडक्टिव मेथड रे यूज करू, तेणु से मानकर परस्पर भितर रिलेशन रही। आरोह पद्धति रे सिखितिबा सूत्र को अवरोह पद्धति रे प्रयोग करा जाय। चलन तेठी हम एथि रिटर्न रे मध्ये आपण को दियागला। देखंतु जहां आपण को लास्ट स्लाइड रे मु देखैतली ताहा एठी आपण भले भाबे टिके देखि देबे। जेते बेले मध्य मूर्त अमूर्त क्वेश्चन रे आसीबो, अर्थात कंक्रीट किंबा आब्स्ट्रैक्ट। एठी मूर्त टू अमूर्त पचारु किंबा अमूर्त टू मूर्त पचारु, जदि मूर्त अमूर्त ए दुटा वर्ड आसिला आपण आरोह अवरोह को जिबे विश्लेषण संश्लेषण को काटि देबे, जहाद्वारा कि आपणकर भूल हबार 50% चान्स कमी जिबो। बुझि पारले? सेमित्रे तो जदि आपण कांसेप्ट को बुझि जिबे आपण बिल्कुल भूल हबनी, तथापि जदि आपण टिके डाउट रही जिबे तबे विश्लेषण संश्लेषण तो काटि ही देबे। बिल्कुल मूर्त अमूर्त कंक्रीट आब्स्ट्रैक्ट आसिले आरोह अवरोह जिबे। साधारण सत्य निर्दिष्ट सत्य अर्थात जनरल स्पेसिफिक एमती वर्ड आसते आरोह अवरोह को जिबे, एवं एग्जांपल रूल किंबा रूल एग्जांपल आसते आरोह अवरोह को जिबे। वर्तमान टिके डिटेल्स लिखिदे जहाँकि आपको कहली आरोह पद्धति एटा को मध्ये टिके डिस्कस करदेबा, लास्ट क्लास रे आपणकर मन थिबो नथिबो। जदि मूर्तरु अमूर्त पचारला आरोह, अमूर्तरु मूर्त पचारले अवरोह। निर्दिष्ट सत्यरु साधारण सत्य पचारला अर्थात केते जणंकर एग्जांपल को नहीं गोटे रूल क्रिएट कराला, सेटा होची निर्दिष्ट रु साधारण। ठीक अच्छे, मो कुकुर खाइबा को देखिले लाल गड़ाए, मो फ्रेंडर भी कराए गड़ाए, मोर सिस्टर डॉग भी कराए करे सेमती, मोर टीचर डॉग भी सेमती करे। ता अर्थात गोटे जनरल स्टेटमेंट बाहर करागला जे समस्त कुकुर मैंने खाइबा को देखिबा मात्र के सेमती करंती। बुझिपाले? एटा हेगला आमर निर्दिष्ट सत्य रु साधारण सत्य। उदाहरण रु नियम, अर्थात गोटे उदाहरण दुटा उदाहरण तीन टा उदाहरण चार टा उदाहरण देलापर शेष को गोटे रूल गोटे क्रिएट कराव, एटा होची आमर आरोह पद्धति। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिबा अवरोह कौन। जदि अमूर्त रु मूर्त आसला अवरोह, ठीक से परि साधारण सत्य रु निर्दिष्ट सत्य आसला ताहले अवरोह, नियम रु उदाहरण आसला अवरोह। ठीक से परि जदि आम देखिबा कंक्रीट टू आब्स्ट्रैक्ट आरोह, स्पेसिफिक टू जनरल माने इंडक्टिव, इंडक्टिव एग्जांपल टू रूल आसिला इंडक्टिव, आब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट आसिला बिल्कुल आम किसी जाणि नथिबा केवल रूलटा लिखिबा ताको यूज करदबा एग्जांपल माध्यम रे, देन ताको सेटा हे जिवो आब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट आसीगला डिडक्टिव मेथड, जनरल टू स्पेसिफिक आसीगला डिडक्टिव मेथड, रूल को यूज करके आंसर बाहर करिबा होचे डिडक्टिव मेथड। क्लियर? आई होप एथिरे आपनकर आउ कोनोसी डाउट नथिबो, जदि कोनोसी डाउट थाए ताहाले पचारिबे।
ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାଟ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଅନ୍ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଡିସ୍କସନ୍କୁ ବୁଝିବା ବଦଳରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଚାଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନଥାଉଛି ନା ଆପଣ ସବୁକିଛି ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କିଛି ମେରିଟ୍ସ ଦେଖିବା, ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ମେରିଟ୍ସ ରହିଛି। ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ମେଥଡ୍, କାରଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ରୁଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା, ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରାଗଲା, ତେଣୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହଁ ଏଇଟା। ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟପିକ୍ସ, ସବୁ ଟପିକ୍ସ ପାଇଁ, କାରଣ ଗଣିତରେ ଗୋଟେ ଗଣିତର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ସୂତ୍ର, ସୂତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ଗଣିତକୁ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଟପିକ୍ରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ମେଥଡ୍, ସହଜ ମେଥଡ୍, ସିଧାସଳଖ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦିଅ। ହେଲ୍ପସ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହାପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ରୁଲ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମେଥଡ୍, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ କେବଳ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁ ସୂତ୍ର ୟୁଜ୍ ହେବ ତାହା ବୁଝିବା, ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏମିତି ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାର ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏଫିସିଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେରିଟ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ, କିଛି ଡିମେରିଟ୍ସ ଦେଖିଦେବା। ନଟ୍ ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମେଥଡ୍, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମେଥଡ୍ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏଠି ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ନିଜର ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ନଟ୍ ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣିତ କରିବ ସିଏ ଯଦି ଫର୍ମୁଲାଟା କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଜାଣିପାରିନଥିବ ତେବେ କେବଳ ତାକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଘୋଷି ଘୋଷି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କିଏ କେତେ ହିଁ ଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପାର୍ଟ ଏନି ଟ୍ରେନିଂ ଇଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ୍କୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହିଁ ଏହି ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ୍। ନଟ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ବିଗିନର୍ସ ଏନକରେଜ୍ କ୍ରାମିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କେବଳ ସେମାନେ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ। ପୁଟ୍ସ ମୋର୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ମେମୋରି, ମେମୋରି ପାୱାର ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଇଏ ବେଶିସ୍ ହୋଇପାରେ। ୟୁଜେବୁଲ୍, ମାନେ ପିଲାଟି ବୁଝିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ, ଯେତେ ଦିନ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟି ସେହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖିପାରୁଛି ସିଏ ସେହି ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କରିପାରିବ ମ୍ୟାଥ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫର୍ମୁଲା ଭୁଲିଯିବ ସିଏ ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିଥିବ, ଯେହେତୁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବ ତେବେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଜିନିଷକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ପେସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିକି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପେସିଭ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ୍ କେବଳ ଟିଚର୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭରି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏହି ମେଥଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇନଥାଏ। କ୍ଲିଅର୍? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ୍ ଆମର ସରିସାରିଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ୍ ସରିଗଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକ୍ସ, ସଂଶ୍ଲେଷଣ ବିଶ୍ଲେଷଣ ରହିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ରିଅଲରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣମାନେ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।